भागलपुर जिले में इन दिनों गंगा नदी पूरे उफान पर है, जिसके कारण दियारा सहित जिले के निचले इलाके पूर्ण रूपेण जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ पीड़ित ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को हो रही परेशानियों का जायजा लेने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर SP नीताशा गुड़िया, SDO आशीष नारायण, DTO परवेज अख्तर सहित कई अधिकारियों के साथ TNB कॉलेजिएट स्कूल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रविंद्र भवन, नाथनगर के CTS चर्च मैदान और महाशय ड्योढ़ी मैदान पहुंचकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्था में सुधार को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र भवन, CTS चर्च मैदान और महाशय ड्योढ़ी की व्यवस्था से काफी नाराज हुए और नाथनगर BDO अंतिमा कुमारी और CO स्मिता झा को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अगले 3 दिनों तक गंगा के पानी में वृद्धि होने की संभावना है, जिसको लेकर दियारा क्षेत्र में रहने वाले और जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील है कि वे सभी ऊंची और सुरक्षित स्थान पर आ जाए। उनके लिए जिला प्रशासन के द्वारा कम्युनिटी किचन की शुरुआत पूरे जिले के राहत शिविरों में 24 घंटे के अंदर की जा रही है। साथ ही DM ने बताया कि सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा को यह निर्देश दिया गया है कि शिविर में आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच ऑन द स्पॉट कराई जाए। अगर कोई पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी व्यवस्था अलग की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने रविंद्र भवन ने विस्थापितों की भारी भीड़ देख वहां कुल 3 रसोई चलाने का निर्देश दिया और DM ने लोगों से कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिविर में एक जगह भीड़ भाड़ नहीं लगाने की अपील करते हुए कहा कि वे सभी छोटे छोटे ग्रुप में जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित आश्रय स्थल और शिविरों में अपना ठिकाना बना सकते हैं। कम्युनिटी किचन या कैंपों में व्यवस्था करते हैं, शौचालय की, पेयजल की सारी व्यवस्थाएं हम लोग कल तक सुनिश्चित कराएंगे। और यहाँ जैसे देख रहे हैं कि संख्या लोगों की ज़्यादा है तो हम लोगों ने निर्देश दिया है कि एक किचन से काम नहीं चलेगा, यहाँ 2 और अतिरिक्त किचन, अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग और किचन बढ़ाएंगे। लोगों से भी मेरी अपील है कि एक जगह पर इकट्ठा मत होइए, कोविड का टाइम है, छोटे छोटे ग्रुप में बहुत सारा स्कूल कॉलेज और चिन्हित हम लोगों का आश्रय स्थल है, वहाँ उनको रहना चाहिए। इस संबंध में सदर SDO भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। भागलपुर जिले में उफनाती गंगा ने पूरे विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन परिसर को अपने आगोश में ले लिया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और यहां काम कराने आने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन तक आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग प्रशासनिक भवन पहुँच रहे हैं और तो और लोगों को, नाविकों को इसके लिए रुपये भी देने पड़ रहे हैं। इस दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य भवन काम कराने आने वाले लोग जहां काफी परेशान दिख रहे हैं, वहीं उन्हें नाव के सवारी के दौरान हादसा होने का भय भी सता रहा है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना TNB भागलपुर। पानी भरा हुआ कैसे गया? पानी में जाने में बहुत डर लगता था, बहुत दिक्कत होता था, नाव से जाने में उतरने में लगता था पिछल जाएंगे, गिर जाएंगे, जाने में बहुत दिक्कत होता था, हाथ पैर टूटने का भी डर है। नाव का कितना पिछल गया? नाव का 5 रुपया 1 फीट का लिया भाड़ा। कितना परेशानी हुआ कैसे गए? जाने आने तो बहुत परेशानी हो रहा है, नाव से जाना है, नाव से ही जाना है, अंदर में यूनिवर्सिटी पूरा पानी से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कहाँ से आई थी और कहाँ गई थी? हम DNS कॉलेज बांका के स्टूडेंट हैं, वहाँ से मतलब आए यहाँ काम कराने के लिए। वहीं इस पूरे मामले पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन परिसर पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया है और उन्होंने कर्मचारियों, छात्र छात्राओं के साथ खुद को कार्यालय आने में काफी परेशानियों का सामना होने की बात कही। साथ ही कहा कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बाद बैठक कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही विश्वविद्यालय बंद किए जाने का कोई फैसला लिया जाएगा। ऑफिस का है, 15 अगस्त आ रहा है, हम तब तक तो बंद नहीं कर सकते हैं। 15 अगस्त हमारा ये है, स्वतंत्रता दिवस है, उसको मनाना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर पानी घटना शुरू हुआ तो उसके अनुसार निर्णय लेंगे, नहीं तो पानी इसी तरह से भरता रहा तो फिर कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि फाइनली हम क्या करें। एक और जहां भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं कुछ युवा जान जोखिम में डालकर गहरे पानी में कूदने का
खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। यह तस्वीर सुल्तानगंज प्रखंड के अकबर नगर भवनाथपुर के समीप की है, जहां कुछ युवक मुख्य सड़क पथ से जा रहे ट्रक को रुकवाकर उस पर चढ़कर गहरे पानी में कूदते दिखे। ऐसा स्टंट जानलेवा हो सकता है, इसलिए हमारा चैनल आपसे ऐसे जानलेवा स्टंट नहीं करने की अपील करता है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रविंद्र भवन में इन दिनों बाढ़ पीड़ितों ने टेंट, पन्नी और त्रिपाल लगाकर अपना आसियाना बना लिया है। शिविर में अब तक सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने और प्रत्येक वर्ष गंगा के उफान के कारण विस्थापित की जिंदगी गुजारने को मजबूर आक्रोशित महिलाओं ने बाढ़ पीड़ितों की समस्या जानने रविंद्र भवन पहुंचे जिलाधिकारी के काफिले का घेराव किया। इस दौरान महिलाओं ने एसडीएम आशीष नारायण की गाड़ी को रोककर सारी सुविधाएं और बाढ़ से होने वाली परेशानियों को देखते हुए जमीन मुहैया कराने की बात कही। एसडीएम के गाड़ी के पीछे जिलाधिकारी और सीनियर एसपी की गाड़ियां थी और दोनों अधिकारी भी मौजूद थे, जिसको लेकर एसडीएम साहब ने बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ का पानी घटने के बाद जमीन मुहैया कराने की बात कहकर पूरे काफिले को आगे बढ़वाया। बिहार के बालिका गृह गया में नाबालिग लड़की से रेप किए जाने के मामले पर कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिए जाने को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कोर्ट के द्वारा सुशासन की सरकार को आईना दिखाना करार दिया है। कांग्रेस विधायक ने नाबालिग से बलात्कार मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि पहले मुजफ्फरपुर और अब गया, दोनों जगह बालिका गृह में जिस तरह मासूम बच्चियों के साथ नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है वो शर्मसार कर देने वाला है। मुख्यमंत्री तुरंत मामले की जांच कराकर इसमें शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजे। देखिए, जब पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया बालिका गृह में, जबकि उनके माता पिता उसको लेने से इनकार कर गए। सुशासन देखिए बिहार का, जब बालिका गृह में जाता है, वो लड़की को रखा जाता है, वहाँ भी उनके साथ गलत काम होता है, रेप किया जाता है, ये बातें चर्चा में है, ये सुशासन है? ये माननीय मुख्यमंत्री को आईना दिखाने का काम है कि आपके पदाधिकारी कर क्या रहे हैं? एक बच्ची जो सबकी बच्ची है, उसके साथ एक तो पहले अन्याय हुआ, कोर्ट ने जब दिया कि बालिका गृह गया में रखिए, वहाँ भी रेप होता है, आप उसको जाँच कराइए, जो भी पदाधिकारी जो भी इन्वॉल्व है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित विशेष टीम के द्वारा पूरे देश में 2015 से सर्वे कराया जा रहा है। इस दौरान पूरे देश के ट्रॉमा सेंटर को 3 कैटेगरी में रखा गया है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कैटेगरी 2 में रखा गया है, जिसका निरीक्षण करने दिल्ली से 3 सदस्यीय टीम सड़क सुरक्षा को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करने की बात करते हुए मायागंज अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ सुधार करने पर बल देते हुए मायागंज अस्पताल की व्यवस्था को संतोषप्रद बताया। अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की आवश्यकता, जरूरतें और जो कमियां हैं उसको दूर करने का सुझाव भी दिया। भागलपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मुख्य कार्यक्रम सैंडिस कंपाउंड मैदान में आयोजित किया जाता है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री झंडोत्तोलन करते हैं। 15 अगस्त को होने वाले समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समारोह के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट निकालकर झंडे को सलामी दी जाती है, जिसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी नितासा गुड़िया प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने और पुलिस बल के जवानों के द्वारा दिए जाने वाले परेड का निरीक्षण करने सेंटिस कंपाउंड पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारी खुली जीप पर सवार होकर पुलिस जवानों के फाइनल रिहर्सल का जायजा भी लिया। भागलपुर की सुल्तानगंज से विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने गनगनिया, घोरघट, कमरगंज, मस्जिद सहित कई बाढ़ प्रभावित इलाकों के बाढ़ पीड़ितों का नाव से पहुंचकर हाल जाना और बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया। बाढ़ पीड़ितों के द्वारा विधायक से भोजन, रहने की व्यवस्था,
पीने का शुद्ध पानी, शौचालय और जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था कराए जाने की बात कही। इस दौरान विधायक ने पदाधिकारियों से बात कर सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी कराए जाने का भरोसा बाढ़ पीड़ितों को दिया। ये प्राकृतिक आपदा है ना, और इसके लिए हमारी सरकार पूरी रूप से तैयार है। पहले से हम कल भी डीएम से बात किए, डीडीओ सीओ, यही नहीं साकुन का भी सब गली गली घूम रहा है, और हम अपने किसी बाढ़ पीड़ित को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते। पहले तो इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, कारण कि भोजन पहला बात है, उसके बाद प्लास्टिक की व्यवस्था भी होने जा रही है, वह भी करेंगे, और बाद में जो और सब होगा सरकारी व्यवस्था सब होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं।